देखिए बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी सरकार एक बार तो सरकार बनते ही बोल रही थी कि हमने डेपुटेशन प्रथा खत्म कर दिया, लेकिन ये केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खत्म करके मेडिकल जो डिपार्टमेंट में उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ अधिकारियों की गलत मंशा के कारण एक बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। देखिए FSO की एक भर्ती थी जिसमें चयनित साथी हैं, पूरा प्रकरण सॉर्ट आउट है, केवल इनको नियुक्ति देनी है, लेकिन मंत्री जी के कुछ प्रिय अधिकारी हैं जिन्होंने अपने चहेतों को डेपुटेशन में लगा रखा है, उनके तहत ही कोर्ट में जाकर एक स्टे वाली प्रोसेस अपनाई गई है जिसके तहत इन 200 अधिकारियों की ज्वाइनिंग नियुक्ति रुकी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं, आपने वादा किया था, आपको एक अवसर मिला है युवाओं का भला करने के साथ साथ ये चयनित अधिकारी हैं, 200 चयनित अधिकारी और इनका परिवार आपको हमेशा धन्यवाद करेगा। आप ये मेडिकल डिपार्टमेंट में भी डेपुटेशन खत्म करके अपनी कथनी और करनी वाली जो बात है उसको दूर कीजिएगा, इनके साथ न्याय करें और माननीय न्यायालय में AG साहब से मजबूत पैरवी करवा के आप इन लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलवाएं जो आगामी डेटा है उसी में। देखिए अभी हमारी CM साहब के OHD से 4 सदस्यीय डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है वो युवा इत्तेजी सरकार है, कम से कम इन अधिकारियों को तो इस तरीके का दर्द और मानसिक पीड़ा भजन लाल जी नहीं देना चाहेंगे और हमें सकारात्मक आश्वासन मिलेगा। नहीं मिला तो उसके बाद में 16 और 17 तारीख को हम एक बार पुनः प्रयास करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से मिलने का, इसके बाद में भी हमें आश्वासन नहीं मिला फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी होंगे, उनकी सरकार होगी कि किस प्रकार चयनित 200 अधिकारी मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं। 18 तारीख से पहले हमें आश्वासन नहीं मिला, आज पुनः हम प्रयास कर रहे हैं, 16-17 को फिर प्रयास करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो 18 तारीख बाद में जो भी कुछ होगा इन अधिकारियों के साथ, इनके परिवार के साथ, तमाम प्रदेश के युवा इनके साथ है, हमारा संगठन इनके साथ है, तो फिर जो भी कुछ भी अनहोनी होगी उसका जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी होंगे। हम FSO 2022 के चयनित अभ्यर्थी है और ये प्रदर्शन हमें ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए किया जा रहा है। हमारी वैकेंसी को तीन चार महीने हो गए हमारे DV कंप्लीट हुए लेकिन अभी भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, इसको पूरा करवाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 और 2022 दोनों में चयनित हूँ। ये सरकार 19 की भी गलती नहीं करा पाई है, आज 5 साल हो चुके हैं और 22 में अंतिम रूप से मेरा चयन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारी 10 जुलाई से ट्रेनिंग होने वाली थी लेकिन डेपुटेशन पे जो कार्मिक लग रहे हैं वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने इस पे केस लगा दिया और हमारी नियुक्ति नहीं हुई। अब आप सोच सकते हो एक वेटनरी डॉक्टर जो कि 6 साल से एक एग्जाम को 2 बार पास कर चुका है उस पर क्या बीत रही होगी। मानसिक और आर्थिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं हम सर इस सरकार में, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सरकार कैसे भी करके, और ये सब 200 लोग हैं, 200 लोगों का परिवार है और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं ये हमारी ज्वाइनिंग के मामले में है, हम लोग सब चयनित फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और विभाग हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है तो ये उसी के लिए किया जा रहा है और मैं खुद भी यहाँ इसीलिए उपस्थित हुई हूँ कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन सर मैं क्या 8 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस स्थिति में भी यहाँ पे आई हूँ ताकि हमें जल्दी से ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है अब तक तो, और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकालें और हमें ज्वाइनिंग दें।